सो वेल गाइस, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दिया था प्रभुदास लीलाधर में आप अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में कैसे ओपन कर सकते हो एंड प्रभुदास डीमैट अकाउंट के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हो, जहाँ पे एक पर्टिकुलर वे बता दिया था रेफर अर्न करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो एंड उसी वीडियो में बता दिया था रेफर आपको कैसे करना है। मैं उसी साथ साथ बता दिया था रेफर का अर्निंग लेने के लिए जो क्लाइंट को रेफर करना है उसको ट्रेड करना है, मिनिमम एक ट्रेड करके उसका आईडी को एक्टिव करना होगा तो आप जाके आपका रेफरल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बता दूंगा अगर आप प्रभुदास लीलाधर में अगर डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया था, अगर आप रेफरल अर्न करना चाहते हो सबसे पहले आपका भी ट्रेड करके आपका अकाउंट को एक्टिव करना है, देन जो फ्रेंड को रेफर करोगे उसको भी बता देना है अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, इसलिए उस फ्रेंड को भी ट्रेड करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में बता दूंगा किस तरह से पहला शेयर आप बाय कर सकते हो प्रभुदास डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो दोस्तों उससे पहले बता देता हूँ जिसका अभी तक प्रभुदास में डीमैट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं रेफर अर्निंग करके पैसा कमाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका प्रभुदास में बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके दूंगा। तो गाइस अगर आपको ट्रेड करना है तो इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है PLDG ट्रेड। इस ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से देख लीजिए ये उस ऐप का आइकॉन है, उस पर इस ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन जब करोगे तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है, देन दोस्तों आपको 4 डिजिट का पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, अभी मैं इस पिन को यहाँ पर एंटर करके इसको लॉग इन कर लूँगा, ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से आपको यूजर आईडी पासवर्ड एंड पिन को वेरीफाई करके आपको फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। देन दोस्तों ऊपर में राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपका फंड शो होगा जो कि मेरा अभी 50 रुपीज में फंड में ऐड किया था। फर्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए आपको फंड में ऐड करना है, इसलिए इस प्लस में करना है क्लिक। उसके बाद कितने अमाउंट का आपका फंड ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, देन आप UPI एड्रेस नहीं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप फंड को ऐड कर सकते हो जो कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड फंड करोगे तो फंड में बैलेंस ऐड हो जाएगा जो कि 2 घंटा के अंदर अंदर आपका वॉलेट पे शो हो जाएगा। देन दोस्तों ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक का नाम ढूंढना है एंड वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वॉच लिस्ट इसमें जाना है, तो आपको कंपनी के तरफ से डिफॉल्ट एक वॉच लिस्ट मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे 3 डॉट है इस डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद चाहो तो यहाँ पे जो वॉच लिस्ट इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, इस वॉलेट को डिलीट कर सकते हो, नहीं तो आप न्यू वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ। उसका वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक को ऐड करने के लिए करना क्या होगा, ये जो ऐड का बटन है सिंपली इस ऐड में करना है क्लिक। मान के चलो मुझे येस बैंक में ट्रेड करना है, स्टॉक को बाय करना है यहाँ पे, इसलिए ऊपर में सर्च में लिखना है येस बैंक, ठीक है। जब येस लिखोगी तो यहाँ पे आ जाएगा जो कि NAC नहीं तो BAC का मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे प्लस में करना है क्लिक तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों देख सकते हो ऐड क्या था येस बैंक। इस तरह से जितना सारा स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है जिसका मूवमेंट देखना है तो इस तरह से आपका वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो अभी मुझे येस बैंक का स्टॉक को बाई करना है जो कि 12 रुपीज का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टी का ऑप्शन है, सिंपली इस टी में करना है क्लिक। टी में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन, तो मुझे बाय ही करना है। उसका यहाँ के ऑप्शन है मार्जिन बाय एंड सेल टुडे, तो मार्जिन में आपको नहीं करना है, आपको करना है डिलीवरी में, इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है डिलीवरी इसको करना है सिलेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 एक्सचेंज होता है, एक NAC एक BAC। अगर आप NAC से पार्चेस करना चाहते हो तो 12 रुपीज 30 पैसा, अगर आप BAC से पार्चेस करो 12 रुपीज 37 पैसा, ठीक है, जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने NAC को सिलेक्ट रहने दिया था। उसका दोस्तों यहाँ पे मुझे करना है प्राइस, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस है, योर प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस। तो अभी जो मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस में मुझे बाय करना है, इसलिए मार्केट प्राइस को मैंने सिलेक्ट कर दिया था। तो अभी मार्केट में प्राइस देखो 12.35 पैसा, ठीक है। अगर आपको टारगेट या लिमिट करना है तो योर प्राइस यहाँ में सिलेक्ट करना है, उसे जो कम प्राइस में आप बाय करना चाहते हो उस प्राइस को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जब वो प्राइस गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक बाय सेल हो जाएगा। यहाँ पे और भी एक फीचर्स है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आपको पता है मार्केट 3:15 क्लोज हो जाता है और उसके बाद आप ऑर्डर लेना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट आपको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तभी अगर ऑर्डर लेना चाहते हो तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर में सिलेक्ट कर दीजिए, तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तब मिल जाएगा, ठीक है।
देन आपको क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, तो मुझे सिर्फ 3 क्वांटिटी का स्टॉक चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 को एंटर कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो मार्केट का बाद में कर दो, आपका मार्केट ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज प्लेस ऑर्डर में करना है क्लिक। दोस्तों उसके बाद आपको फिर से करना है कन्फर्म ऑर्डर। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा कन्फर्म ऑर्डर हो चुका है, यू हैव प्लेस एन ऑर्डर टू बाई 3 शेयर्स ऑफ येस बैंक। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्टॉक बाई करना है। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जा सकते हो। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो आप जो ऑर्डर किया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, जो कि एक स्टॉक का प्राइस 12 रुपीज़ 40 पैसा। ठीक, इस तरह स्टॉक को बाय करना है। अगले वीडियो में बता दूंगा इस स्टॉक को सेल कैसे करना है। सेल करने से पहले आपको इस ऐप के थ्रू CDSL में आपका टी पिन को जनरेट करना पड़ता है, टी पिन को एक्टिव करना पड़ता है, तो आप जब सेल कर पाओगी। तो उसका वीडियो देखना चाहते तो हमारा यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बाजू में जो घंटा आएगा इसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, एंड कुछ भी क्वारीज है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कर लीजिए।